पिज़्ज़ा तो आप बहुत खाए होंगे, ये है नया ट्रिक में, वो भी ब्रेड में बनाएंगे पूरा पिज़्ज़ा। इसको पिज़्ज़ा को बनाने के लिए इधर देखिए, हम 3 टाइप का कैप्सिकम काट लिया हूँ और थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव से, ये है ग्रीन ऑलिव, ये है इंग्लिश पार्सली, ये थोड़ा सा ऑनियन भी काट लिया हूँ और ये है 4 स्लाइस ब्रेड। अब 4 स्लाइस ब्रेड में बनाएंगे ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। इधर पिज़्ज़ा बनाने के लिए इधर पिज़्ज़ा सॉस इधर लगा लेंगे ब्रेड का ऊपर में। पिज़्ज़ा का सॉस जो है, हम एक बार इसका रेसिपी बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगा कैसे पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। अब जो ब्रेड में है पूरा चारों तरफ अच्छा से इसका पिज़्ज़ा का जो सॉस है इसको बहुत ही बढ़िया से लगा लेंगे चारों तरफ। आप देखिए मेरा जो पिज़्ज़ा सॉस है बहुत अच्छा तरीका से चारों तरफ लग चुका है। कटा हुआ वेजिटेबल को भी ब्रेड का ऊपर में ऐसे लगा लेंगे पूरा चारों तरफ और बराबर में डाल देंगे वेजिटेबल को। ये देखिए इधर कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है और येलो कैप्सिकम है। अब इसमें डाल दूंगा ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स ग्रीन ऑलिव्स को भी हम स्लाइस में काट लिया हूँ, ये देखिए चारों तरफ डाल देंगे पूरा बराबर में। अब इसमें डाल दूंगा कटा हुआ प्याज, वो भी देखिए बहुत स्मॉल क्यूब में हम काट लिया हूँ। अब इसको प्याज को भी चारों तरफ ऐसे डाल देंगे। अब इसमें चीज़ डालेंगे, पिज़्ज़ा में चीज़ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा और खाने लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें डालूंगा इंग्लिश पार्सली, पिज़्ज़ा में इंग्लिश पार्सली डालेंगे तभी आपको पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें ऐड करूंगा चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स भी चारों तरफ अच्छा से डाल देना है। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। इधर हम डालेंगे ऑरेगानो, ऑरेगानो भी ऐसे थोड़ा चारों तरफ अच्छा से डाल देंगे। अब देखिए पिज़्ज़ा मेरा बनकर रेडी है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। अब इसको ग्रिल करेंगे पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा को कम से कम ग्रिल करने के लिए 5 मिनट तक टाइम लगेगा। आप पिज़्ज़ा को ग्रिल करेंगे, ग्रिल करने के लिए 5 मिनट में पिज़्ज़ा ग्रिल हो जाएगा। आप ग्रिल मशीन में डाल देंगे, ग्रिल मशीन का टेम्परेचर होना चाहिए 250 डिग्री सेल्सियस। अब इसको डालकर 5 मिनट तक वेट करेंगे, ये देखिए पिज़्ज़ा अंदर में ग्रिल हो रहा है। 5 मिनट जैसे ही हो जाए पिज़्ज़ा को हम निकालेंगे, ये देखिए 5 मिनट मेरा हो चुका है। अब देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है, अब इसको निकाल लेंगे ग्रिल मशीन से। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या इवनिंग स्नैक्स में दीजिए, ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए इसको हम कट करके भी दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसको 4 टुकड़ा में भी काट सकते हैं या 2 टुकड़ा में भी काट सकते हैं। अब देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा जो बनकर रेडी है। ब्रेड पिज़्ज़ा का रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे मज़ेदार रेसिपी के लिए।